उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उकाब एक ताकतवर और बुलंदियों पर उड़ने वाला परिंदा। इकबाल कहते हैं कि जब नौजवानों में उकाब जैसी रूह अंगड़ाई लेने लगती है, जब उनके हौसले और वलवले भी जवान होते हैं, तो उन्हें अपनी मंजिल आसमान की बुलंदियों पर नजर आने लगती है। और ये भी हकीकत है कि हिम्मत और हौसले के बगैर मंजिल तक रसाई मुमकिन नहीं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। शाहीन निहायत बुलंदी पर परवाज करने वाला एक परिंदा है। अल्लामा इकबाल इस उम्मत के जवानों से कहते हैं कि तुम्हें शाहीन जैसा होना चाहिए। जिस तरह वो मुसलसल बुलंदियों पर परवाज करता रहता है, थककर बैठ नहीं जाता, उसी तरह तुम्हें भी मुसलसल जिद्दोजहद करनी चाहिए। तुम हिम्मत को जवान रखो तो तुम्हारे सामने नई नई राहें खुलेंगी, नए नए मैदाने अमल होंगे। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लामा इकबाल मिल्लत के नौजवानों को गैरत दिलाते हुए कहते हैं कि ऐशो इशरत की जिंदगी मत गुजारो। जिस तरह कुछ परिंदे शानदार और आरामदेह मकानों में आशियाना बनाकर रहते हैं, बल्कि तुम तो उस बास की तरह हो जिसका हौसला और अज़्म इतना ऊंचा होता है कि वो पहाड़ों की सख्तियों और ऊंचाइयों पर बसेरा किया करता है। निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। मुसलमानों की रहनुमाई और रहबरी का हक वही शख्स अदा कर सकता है जिसके अंदर मोमिनाना खूबियां हों, जो ऊंची सोच रखता हो, जिसकी नजर बुलंदियों पर हो, जिसके अजाइम जवान हों, जिसकी गुफ्तगू दिल में उतर जाती हो, और जो अपनी रूह की गहराइयों में ईमानी हरारत भी रखता हो। वबा फैल गया है जिससे हर इंसान दो चार है, तो इस वक्त जो पूरा कंट्री में पूरा हर जगह पर लॉकडाउन का स्थिति है, तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम इस टाइम को एक अच्छी तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हर मेंबर्स या जितने भी लोग हैं वो घर पे बेकार बैठे हुए, तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम इस वक्त इस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। कि यूटिलाइज का मतलब, हमने सोचा कि हमारी क्लासरूम है, उनको हम एक अच्छी तरह टीएलएम्स के जरिए हम उनको सजाएंगे, और बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स भी इसमें हमारे साथ आया है और हमारे मेंबर्स भी आया है, और उन सारे लोगों के कॉपरेशन के साथ हम ये टीएलएम्स बना रहे हैं और हर क्लास को हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल्स हैं हम उन पे भी पेंटिंग्स और ये पेंटिंग्स बनाकर कार्टून्स के जरिए उन सारी चीज़ों को हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.